क्योंकि हेमंत सोरेन जब से इस राज्य का मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने आदिवासी के जमीन को सैकड़ों एकड़ जमीन, चाहे वो रांची हो, बोकारो हो, धनबाद हो, साहेबगंज हो, चाहे दुमका हो, भिन्न भिन्न जगहों पर अपने परिवार के नाम से, चाहे वो कल्पना सोरेन हो, चाहे रूबी सोरेन हो, सीबू सोरेन हो, बसंत सोरेन हो, उनके नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन, आदिवासी जमीन को उन्होंने खरीदने का, लूटने का उन्होंने काम किया है और इसी का जांच उनका चल रहा है और इसी को लेकर ईडी ने उनको समन जारी किया है कि आपने जो गलत ढंग से सैकड़ों जमीन जो खरीदे हैं उसको आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ईडी का समान नहीं करते हुए उनके प्रवक्ता ने उल्टी चोर कोतवाल को डांटे वाला चेकदार तो उन्होंने कहता है खुद तो चोरी कर रहा है और दूसरे को तो सीधा चोरी करने के लिए भी आगे आ रहा है। मैं भी प्रेस पर मीडिया के सामने भी मैं बात को रखना चाहता हूँ, ये सरकार शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की बात करता है लेकिन इतिहास भी गवाह है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ 5 और 6 सांसद जीतते थे उस समय केंद्र में नरसिंह राव जी की सरकार थी, अगर उस समय भी जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं उस समय भी प्रस्ताव रखते कि अलग झारखंड राज्य का, तो उस समय ही पहले ही झारखंड राज्य अलग होता। लेकिन उस समय इन्होंने झारखंड अलग राज्य नहीं किया बल्कि इन्होंने झारखंड को कांग्रेस के हाथ में गिरवी रखने का काम किया, जीतने का काम किया, ये इसकी इतिहास और चरित्रार्थ है और आज ये इस तरह का बड़ी बड़ी बात करते हैं। दूसरा मैं ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन सरकार ने भी जब पिछली बार ईडी ने इनको बुलाया था, आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि अनगढ़ा प्रखंड क्षेत्र में भी इन्होंने माइनिंग लीज अपने नाम पर माइनिंग लीज लेने का भी काम किया है। केंद्र सरकार का भी एक योजना आया कि झारखंड के जनजाति समाज के बेरोजगार जुड़ियों को अगर कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, छोटे छोटे उद्योग धंधा करना चाहता है तो वैसे लोगों को भी सरकार जमीन मुहैया करे और वो अपना रोजगार का सृजन कर सकता है। तो उसमें भी आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि बार बार जानकारी बहुत से लोग नहीं जानते हैं, हमारे भोले भाले यहाँ के आदिवासी जनजाति समाज के लोग, तो उन्होंने भी चांदो जैसा जगह पर अपने पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से उन्होंने भी सरकारी जमीन वहां पर लीज लेने का काम किया। तो इस तरह से इनका इतिहास और इनका चरित्र रहा है शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन परिवार का। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में कि चूंकि हेमंत सोरेन का सरकार जब से यहाँ पर आया है तब से जमीन का जिस तरह से यहाँ पर लूट और खसोट चल रहा है, यहाँ तक कि सैनिक का जो जमीन है इसमें भी लगभग 4 से 5 एकड़ जमीन गलत ढंग से उसका भी खरीद बिक्री हुआ है, उसका भी आज ईडी जांच हो रहा है, जो लोग भी इसमें गलती किए हैं वो लोग आज जेल पर है। तो इस तरह पर हम लोग देखें तो इनका कोई एक ही जगह नहीं है, आज सिर्फ इन्होंने नाम का रह गया कि हम जल जंगल जमीन का बात करते हैं और हम यहाँ के आदिवासी समाज को हमारे नेतृत्व में जो सरकार चलेगी हम ही उसको न्याय दिलाएंगे, लेकिन इन्होंने न्याय क्या देगा बल्कि जनजाति समाज को विशेष रूप से इन्होंने ठगने का काम किया है, उन लोगों का जमीन को हत्याने का काम किया है और आज उन लोगों को बेघर करने का काम किया है। साथ ही साथ अगर हम लोग माइनिंग की अगर बात करते हैं तो माइनिंग में भी जिस तरह से आज साहेबगंज में बड़े बड़े पहाड़ों को अवैध ढंग से जो वहां पर खनन हुआ है और आप लोग सब लोगों को जानकारी होगा कि आज उनके जो आपका उनका विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी हैं, उन्होंने हजारों करोड़ रुपया का उन्होंने घोटाला किया है जो अभी जेल में है और इसका भी सुराग आज कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसका भी आज ईडी ने पिछले बार इसका समन जारी किया था, इसको भी उनको पूछताछ करना है। साथ ही साथ हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर में भी अगर जहां तक हम लोग प्रशासनिक अगर बात करते हैं तो जब से ये सरकार इस राज्य में बना है तब से अगर सबसे ज्यादा हमारा महिला बहन पर भाई पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। अगर हम बहन की बात करते हैं तो चाहे रूबिका पहाड़िया के खिलाफ बात करते हैं तो उसके साथ में दुष्कर्म हुआ और फिर उसको हत्या की गई, चाहे रूबी सोरेन का बात करते हैं हम लोग रूपा दिखी की बात करते हैं तो उसके साथ में दुष्कर्म हुआ फिर उसका
हत्या हुआ। उसके बाद फिर रामेश्वर में जो दुमका का क्षेत्र ही है वहां पर भी एक लुकी मुर्मू थी, उसके साथ में दुष्कर्म हुआ, फिर उसको हत्या की गई। अगर हम लोग जनजाति समाज के हमारे यहाँ पर जो भी सामाजिक कार्य करता है चाहे जो भी धंधा पेशा से जुड़े हुए वैसे लोगों का भी अगर हम लोग बात करें तो सुभाष मुंडा की बात करें तो उनकी हत्या की गई, चाहे प्रेम सागर मुंडा जी की बात करें तो उनकी भी हत्या की गई। काल भी एक हत्या हमारा ये मोराबादी जो रॉयल इलाका है उसमें मुकेश साहू जी की हत्या की गई। इस तरह अगर हम लोग देखते हैं तो किसी भी मामले में ये सरकार झारखंड के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, जमीन लूटने के प्रति सबसे आगे है और लुटवाने में भी ये सबसे आगे है। आज हम सब लोग जल जंगल को भी की बात करते हैं, आज हम लोग जो बालू का रेट, हम जब पिछले साल की सरकार जब थी तो ये 15,000 रुपया हैबा मिलता था, आज 45,000 रुपया 30,000 रुपया हैबा मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि बालू से भी लोगों ने घी निकालने का काम कर रहे हैं, ये नाम है हेमंत सोरेन सरकार का। आज आज उन्हीं का जो प्रवक्ता आज बोलते हैं कि हम जल हम मतलब बोलते हैं कि हम ड्राई नहीं तो हम नाराज हुए तो गोल हो जाएगी बिजली। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह से अगर भक्की देते हैं, इस तरह से जनता को गुमराह करते हैं तो आपका नैतिक अधिकार है इस राज्य में जिस तरह से बहन के साथ में अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर लूट और कसरत हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर मर्डर हो रहा है, तो अगर आपको सजेस्ट करना है तो आप हेमंत सोरेन सरकार को करिए, आप उनके परिवार को करिए कि जिस तरह से उन्हें नाम कहीं नहीं मतलब ये भी हमको पता चला है कि कहीं पर अगर हेमंत सोरेन जी है तो वहां पर अपना नाम बदल कर कभी पता उन्होंने रांची लिखता है, कभी दुमका लिखता है, कभी बोकारो लिखता है, तो कभी उनका भाई का नाम है बसंत सोरेन तो भाई का नाम पर लिख देगा बसंत प्रसाद सोरेन। इस तरह नाम का भी लोगों ने चेंज कर करके गलत पता कर करके और आदिवासी जमीन को सैकड़ों एकड़ जमीन को इन्होंने लूटने का काम किया है, जिसको आज ईडी ने समन जारी किया है, उसको पूछताछ कर रहा है कि भाई किस तरह से आपने अचूक प्रॉपर्टी जो आपने अर्जित किया है आदिवासी जमीन को इतने बड़ा लूटने का काम किया है, माइनिंग के इतना बड़ा आपने घोटाला किया है, तो निश्चित रूप से अगर उसको नैतिकता होता तो हेमंत सोरेन जी जाके निश्चित रूप से अपना इस्तीफा देके और स्वतंत्र जांच करने के लिए सहयोग करना चाहिए ताकि जनता दूध का दूध और पानी का पानी होता। उन्होंने जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, ये जनता के बीच में ये बात आता है। इसलिए आज की प्रेस वार्ता में मैं विशेष रूप से उनकी प्रवक्ता को मैं ये चुनौती देना चाहता हूँ कि आप विशेष रूप से उनको आप बताइए और इतने इस तरह से उन्होंने जो लूटने का जो काम किया है उसको इस्तीफा दे के और कम से कम ईडी को सहयोग करे ताकि झारखंड की जनता और देश की जनता जिस तरह से बदनामी हो रहा है इसको निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश होगा। आप देख रहे हैं जनमन न्यूज़ 76।